Hello students, today we are here to study about the second CPU scheduling algorithm, that is shortest job first. Before this we have gone through the first CPU scheduling algorithm, that was the first come first serve CPU scheduling algorithm, in which we have seen with the help of an example that जो भी प्रोसेस होता है वो जिस सीक्वेंस में आता है, जो पहले आता है उसे पहले सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है. बट ये जो सेकंड वाला है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि द शॉर्टेस्ट जॉब विल गेट द एग्जीक्यूशन फर्स्ट इन द सीपीयू. सो लेट्स सी पॉइंट वाइज द डिटेल्स ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग वर्क्स ऑन द प्रोसेस विथ शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम. जो भी सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होता है उस पर, ये बर्स्ट टाइम क्या होता है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम होता है, और द ड्यूरेशन फर्स्ट, इसको क्या कहता है, जो भी शॉर्टेस्ट जॉब रहता है उसे पहले सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है. सो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम. सो यहाँ पे वेटिंग टाइम मिनिमाइज होता है. एंड आफ्टर आफ्टर स्टडिंग ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स वी विल एनालाइज दैट विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स द मिनिमम वेटिंग टाइम और द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम. So at that time we will get that this shortest job first is very optimal and it is very minimized in comparison to all other CPU scheduling algorithm. So this is used in batch system and it is of two types. The first one is non-preemptive and the second one is preemptive. तो ये दो तरह का होता है. non-preemptive पहले क्या हम लोग पढ़े थे कि if अगर ये CPU है और यहाँ से अगर input हो गया, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि जब ये प्रोसेस सीपीयू पे गया है तो जब तक ये प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए, मतलब कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये टर्मिनेट नहीं होता है. बट इन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे राउंड रॉबिन, जो आगे हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उसमें क्या होता है कि वी फिक्स अ टाइम क्वांटम एंड आफ्टर दैट फिक्स टाइम क्वांटम द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इन द सीपीयू एंड इट मूव्स आउटसाइड द CPU. और the second thing is in preemptive scheduling is that it also works on the basis of the priority. कि अगर एक job हमारा CPU में है and a higher priority job enters into the CPU, so what is the output, that जो lower priority का job होता है it gets removed from the CPU and the higher priority job gets the CPU. So to successfully implement it, the burst time or the duration time of the processes should be known to the processor in advance, which is practically not feasible at all time. मतलब इस point का एक हम लोग मतलब देख लेते हैं कि होता क्या है. ये क्या बोल रहा है, to successfully implement the burst time, जो भी burst time होता है वो पहले पता होना चाहिए. तो अभी अगर let's take an example कि अगर zero time पे मेरे पास 5 process आ रहा है, तब तो हमको जीरो टाइम पे पता है कि किसका क्या बर्स टाइम है. बट अगर हम जीरो टाइम पे स्टार्ट किए हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, मेरे पास 3 प्रोसेस है एंड आफ्टर 3 और 5 सेकंड्स बाकी 2 प्रोसेस आ रहा है, तो हमको तो जीरो के टाइम पे पता नहीं है कि कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है. एंड वी आर नॉट नोइंग द बर्स टाइम ऑफ द टू प्रोसेस विच इज़ कमिंग एट द टाइम 5. सो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एंड सो दिस इज़ नॉट सो फिजिबल इन कम्पेयर टू दिस बर्स टाइम. एंड दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ ऑप्टिमल If all the jobs or processes are available at the same time, मतलब arrival time अगर 0 हो या arrival time XYZ जो भी हो, but same हो सारे processes के लिए, so in that case this algorithm is very flexible and optimal and this shortest job first is implemented in that time. So let's study about the two types of shortest job first. So the first one is non-preemptive shortest job first. तो नॉन प्रीएम्प्टिव जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, तो व्हाट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब एक बार सीपीयू में गया है तो जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होता है, देन इट विल नॉट लीव द सीपीयू. एंड द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो कि वही सेम है कि जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, दैट विल गेट द सीपीयू फर्स्ट. एंड कंसिडर द बिलो प्रोसेसेस अवेलेबल इन द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन विथ अराइवल टाइम 0. तो ये एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल वी हैव टेकन इन द केस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. एंड वी विल आल्सो टेक द सेम एग्जांपल इन ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड एट द लास्ट वी विल कंपेयर द एवरेज टर्न अराउंड टाइम और द एवरेज वेटिंग टाइम. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
लेट्स सी दैट नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का पहला मतलब होता है जब तक सीपीयू, जब तक इफ व्हेन द अंटिल एंड अनलेस द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली, इट विल नॉट नॉट गेट आउट ऑफ द सीपीयू, मतलब सीपीयू के बाहर नहीं आएगा। तब जीरो टाइम पे मेरे पास सब ये चार प्रोसेस आ गया है, P1, P2, P3 एंड P4। अब हम देखते हैं कि मेरा क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इन चार में से शॉर्टेस्ट जॉब किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, टू पी फोर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पी फोर पे टू लेंगे, ठीक है। अब आफ्टर टू हम लोग देखते हैं कि इसके बाद किसका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो पी थ्री। पी थ्री है नहीं, इट्स पी टू, क्योंकि पी टू का थ्री है। तो इसके बाद पी टू को लाते हैं यहाँ पे। पी टू कितना टाइम के लिए चलेगा, थ्री टाइम्स। तो टू से थ्री कितना होता है, फाइव, यहाँ तक पी टू गया। अब आफ्टर पी टू विच विच जॉब है इज़ हैविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, लीस्ट अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम, दैट इज पी थ्री। एंड एंड ऑफ हाउ मच, इट इज़ ऑफ सिक्स। तो छः तक क्या चलेगा, फाइव से छः यानी कि इलेवन, इलेवन तक पी थ्री चलेगा। एंड एट द लास्ट क्या होगा, लास्ट में पी वन विच इज़ हैविंग 21 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम, सो 11 प्लस 21 दैट इज 32। तो ऐसे करके ये शॉर्टेस्ट जॉब नॉन प्रीएम्प्टिव, दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पे प्रीएम्प्टिव भी हम लोग पढ़ेंगे, बट दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। तो अब सिमिलरली आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग यूजिंग दिस ऑल दिस नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी आर गेटिंग द एवरेज वेटिंग टाइम एज 4.5 मिली सेकेंड, है ना। एंड एज यू कैन सी इन द गैंट चार्ट अबव, द प्रोसेस P4 विल बी पिक्ड अप फर्स्ट एज इट हैज़ द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, देन P2 फॉलोड बाई P3 एंड P1। तो जो एक्सप्लेन किए वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे लेट्स सी द कंपेरिजन बिटवीन द टू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, that we scheduled the same set of processes using the first come first serve algorithm in the previous tutorial and got average waiting time as, the first come first serve mein kitna tha, 18.75, while we are having 4.5 in the case of shortest job first non preemptive। to yahan pe hum log seedha dekh rahe hain ki reduce ho ke bahut kam kam ho ja raha hai mera waiting time। so whenever the waiting time reduces to kya hota hai ki cpu ka utilization badh jata hai। सो वी ऑलवेज गो फॉर द रिडक्शन ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव, कि नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एंड इसके वजह से हम लोग क्यों प्रीएम्प्टिव यूज़ कर रहे हैं। सो इफ द अराइवल टाइम फॉर प्रोसेसेस आर डिफरेंट, विच मीन्स ऑल द प्रोसेसेस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडी क्यू एट टाइम जीरो एंड सम जॉब्स अराइव आफ्टर सम टाइम, इन सच सिचुएसन समटाइम्स प्रोसेस विल विथ शॉर्ट बर्स्ट टाइम हैव टू वेट फॉर करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन टू फिनिश, बिकॉज इन नॉन प्रीएम्प्टिव SJF ऑन अराइवल ऑफ अ प्रोसेस विद शॉर्ट ड्यूरेशन द एग्जिस्टिंग जॉब और प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज नॉट हॉल्टेड स्टॉप्ड और टू एग्जीक्यूट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इतना बड़ा पैराग्राफ है एंड वट दिस पैराग्राफ इज सेइंग दैट इफ आई एम हैविंग अ जॉब, मतलब अगर जीरो टाइम पे मेरे पास एक ही जॉब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो टाइम पे मेरे पास एक ही जॉब है P1 एंड P1 इज़ हैविंग अ बर्स्ट टाइम ऑफ लेट सपोज दैट 500, मतलब ये 500 सेकेंड चलने वाला P1 मेरे पास जॉब है, और दूसरा जॉब मेरे पास और ये P1 कब आया है, जीरो टाइम पे, ओके। और दूसरा जॉब मेरे पास P2 है विच इज़ हैविंग अ बर्स्ट टाइम ऑफ सच दैट 5, ठीक। और ये मेरे पास आ रहा है किस टाइम पे, दिस इज़ कमिंग इन द सी पी यू एट द टाइम लेट सपोज दैट 2, मतलब 2 सेकेंड पे ये आ रहा है। तो अब क्या होता है, जब P1 सबसे पहले जीरो पे तो केवल P1 है, तो P1 जब स्टार्ट हुआ तो P1 तो जीरो से लेके 500 तक चलेगा, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, एक बार जब कंप्लीट हुआ तभी निकलेगा। तो अब जब जीरो से स्टार्ट हुआ 1 2, तो अब देखता है 2 पे क्या हो गया, एक मेरे पास छोटा सा प्रोसेस आ गया, बट वट इट हैज़ टू डू दैट इट हैज़ टू वेट फॉर P1 टू कम्प्लीट द प्रोसेस, मतलब P1 जब तक कम्प्लीट नहीं होता है, 500 सेकेंड नहीं चलता है, तब तक P2 को चांस ही नहीं मिलेगा। तब जिसको 5 सेकेंड का काम है तो वो 500 सेकेंड रुकेगा नहीं ना। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव SJF। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ फर्दर प्रोसीडिंग। सो थैंक यू।